भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विगत चार दिनों से राष्ट्रीय कार्यक्रम केंद्र बिंदु बना हुआ था। पूरे कार्यक्रम में सुचारू रूप से कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया, जिसके लिए उन्होंने सभी का धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा कि 418 कार्य समिति के सदस्य को चयनित किया गया, जो 200 विधानसभा में जाकर बैठक करेंगे और फीडबैक लेंगे। इसके अतिरिक्त डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि हर घर में तिरंगा फहराया जाएगा, प्रत्येक बीजेपी कार्यकर्ता अपने घरों में तिरंगा लहराएंगे। इसके अतिरिक्त क्या कहा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने, आइए सुनते हैं। विगत चार दिनों से बिहार भारतीय जनता पार्टी के पूरे राष्ट्रीय कार्यक्रमों का केंद्र बिंदु बना हुआ था और मैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपने सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप दे करके न केवल संपन्न कराया बल्कि बिहार भाजपा ने एक इतिहास भी रचा है। और सभी जो हमारे प्रतिनिधि पूरे देश से आए थे वह यह कह करके गए कि इतनी अच्छी व्यवस्था और इतना सुंदर कार्य कभी भी किसी कार्य समिति में हम लोगों ने नहीं देखा था। यह टिप्पणी प्रत्येक हमारे राष्ट्रीय कार्य समिति के सभी सदस्यों की थी। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं का सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाया। यह पूरा कार्यक्रम में पहली बार था कि दो दिनों के लिए हमारे राष्ट्रीय कार्य समिति के कार्यकर्ता गए थे। 200 विधानसभाओं में कार्यक्रम करना था, 418 राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य को चिन्हित किए गए थे कि वो विभिन्न विधानसभाओं में जाएंगे। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 391 कुल प्रवासी बिहार के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में गए, अर्थात लगभग 96% हमारे राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्यों को बिहार के विभिन्न विधानसभाओं में जाने का और काम करने का मौका मिला। और इन सभी ने उन 200 विधानसभाओं में 2164 कार्यक्रम किए। यह भी अपने आप में एक इतिहास ही होगा कि दो दिनों में 2164 कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के बिहार में हुए हों। और इन सभी कार्यक्रमों में कुल अगर संख्या जोड़ी जाए जिनसे ये इनको विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जुड़ने का मौका मिला बिहार के नागरिकों से, तो कुल मिलाकर 353,822 लोगों के साथ विभिन्न आयोजनों में विभिन्न स्थानों पर हमारे राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्यों को बिहार के नागरिकों के साथ मिलने का मौका मिला। मोर्चे के सदस्य जाएंगे, वह विधानसभा में उस मोर्चे की बैठक करेंगे। जो भी हमारे लाभार्थी हैं, चाहे वह केंद्र सरकार के हों या राज्य सरकार के हों, उन सभी से संपर्क की केंद्र और राज्य सरकार की सभी लाभकारी योजनाएं जनता को मिल रही हैं कि नहीं, इसके बारे में भी वह जानकारी भी लेंगे और संपर्क भी करेंगे। इसके अलावा जनप्रतिनिधियों से, पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों से संपर्क करना उनका एक वह भी कार्य था। बूथ स्तरीय बैठक लेना, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो फ्लैगशिप योजना कहते हैं, जो प्रमुख योजनाएं चल रही हैं, जो बड़े एक चाहे वह भवन हो, पुल हो, चाहे मेजर सड़क हो या कोई केंद्र हो बना हो नया, उस तरह के एनडीए के शासन में जो नए बने हैं वहाँ पर जाना, वहाँ पे नागरिकों से बात करना और इसके साथ एक वृक्षारोपण और सदस्यता अभियान चलाना। यह सभी 11 कार्यक्रमों को हमारे सभी राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्यों ने न केवल बखूबी से अंजाम दिया बल्कि उस पूरी रिपोर्टिंग उस विधानसभा की आकर के हम लोगों से भी किया। इसके अलावा बहुत सारे हमारे कार्यक्रमों को विधानसभा स्तर पर तय किया गया था, जैसे नदियों के किनारे गंगा आरती थी, स्टार्टअप और स्वरोजगार एमएसएमई के जाकर के देखना कि बिहार में स्टार्टअप योजनाएं कैसे चल रही हैं, एमएसएमई योजनाएं में उत्पादन कैसे हो रहा है, यह देखना,
आंगनबाड़ी और जीविका दीदी के केंद्रों पर जाकर उनके साथ बात करना, उनके कार्यों को देखना, विभिन्न स्कूलों में जाकर बच्चों के साथ संवाद करना, स्किल्ड युवाओं के बीच प्रमाण पत्र बांटना, सभी आम्बेडकर छात्रावासों में जाकर के संवाद करना, स्वच्छता अभियान चलाना, जो महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी बनी है राष्ट्रपति, उनको लेकर अनुसूचित जनजाति बस्तियों में किस प्रकार के उनकी सोच है उनके साथ इंटरेक्शन करना, अर्थात पार्टी के कार्यक्रमों के बाहर भी बहुत सारे कार्यक्रम हमारे जो हमारे राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य आए थे वह किए थे। हमारी पूरी बिहार की टीम को सौभाग्यशाली मैं समझता हूँ कि हमें एक साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और गृह मंत्री जी का हमें भी संबोधन मिला। जो निर्देश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और गृह मंत्री जी के द्वारा प्राप्त हुए, उन सबों पर भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चा भी कार्य करेंगे और बिहार में भी सातों मोर्चों को जो कार्यक्रम मिला है वह सभी मोर्चा करेंगे। मोर्चा हमारा एक तरह से फ्रंटलाइन ऑर्गेनाइजेशन है जिनको उसी एक क्षेत्र में काम करना पड़ता है। तो यह सारे कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी बिहार में चलाएगी। आप सब मीडिया बंधुओं को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सबों ने भी बहुत अच्छा सहयोग किया और मीडिया सेंटर पर लगातार जो हमारे जो कार्यक्रम चल रहे थे उनकी ब्रीफिंग भी हो रही थी और आप सबों ने भी उसमें बहुत ही अच्छा सहयोग किया, चाहे वो उद्घाटन कार्यक्रम हो या समापन। आप सबको भी मैं भाजपा प्रदेश की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में दो तरह के कार्यक्रम होते हैं। एक कार्यक्रम होता है जिसमें आप सब शामिल थे, कुछ कार्यक्रम होते हैं जो हम अपने आप को अच्छा करने के लिए, जो हम अपने आप को आगे बढ़ने के लिए करते हैं और वह कार्यक्रम सदैव चलते रहता है। कोई ऐसा दिन नहीं होता है जब हम राष्ट्रीय नेतृत्व के कार्यक्रम नहीं चलाते हो। अभी कल हमारा वो कार्यक्रम समाप्त हुआ है। आज हमें यह कार्यक्रम दिया गया है कि प्रत्येक भारत के घर में, हर घर में तिरंगा झंडा फहराया जाए। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में अपने घर में तिरंगा लगाएगा और हम साथ में भारत के सभी घरों में तिरंगा लगाने के लिए लगातार प्रयास करेंगे। यह एक ऐसा स्वतः स्फूर्त है, मुझे नहीं लगता कि 15 अगस्त को कोई भी, चाहे वह 4 साल का बच्चा हो चाहे वह 90 साल का बुजुर्ग हो, तिरंगा लेकर के शान से चलता है। और चूंकि यह 75 साल पूरे हो रहे हैं तो यह कार्यक्रम और भी बड़ा हो, हर व्यक्ति गर्व से अपने घर में तिरंगा फहराए। और साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अनुरोध किया है कि घर के सबसे छोटे बच्चे से हम अपने घर में तिरंगा फहराएं, कि उस छोटे बच्चे को उस राष्ट्रीय तिरंगा का बोध हो, जो जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो कुर्बानियां दी हैं उनके बारे में प्रत्येक परिवार अपने घर के बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को बताए, जिससे कि वह जान सके कि जो आज़ादी वह देख रहा है वह किन परिस्थितियों में और कितने मुश्किल से हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने दिया है। और यह कार्यक्रम आज से लेकर 15 तक लगातार 15 दिन हम चलाने जा रहे हैं। धन्यवाद आप सबको।